लड़कियों की 10 बातें जिन पर कुछ लड़के पहले नोटिस लेते हैं। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि जब किसी लड़के को किसी लड़की की तरफ देखने का एक अच्छा वक्त मिल जाता है तो उस वक्त उसके दिमाग में क्या मंजर चल रहा होता है और वो किस तरह उसके मुतालिक तरतीबवार सोच रहा होता है और वो किस तरह उसके मुतालिक कोई राय कायम करता है पसंद या नापसंद की। सबसे पहले रंग। सबसे पहले वो देखते हैं कि रंग कैसा है और कितनी पुरकशिश है। इसके बाद लड़कियों का मुस्कुराना। रंग के बाद इब्तिदा मुस्कुराहट से होती है। अगर आपने इब्तिदा में गुस्सा कर लिया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। और कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसके बाद लड़कियों की आंखें। लड़कियों की आंखें एक मकनातीस का काम करती हैं। ये ना सिर्फ अट्रैक्ट करती हैं बल्कि लड़की में इंटरेस्ट लेने का सबब भी बनती हैं, जिससे कोई भी अपना या पराया आसानी से घायल हो जाता है। इसके बाद कौमियत। इसके बाद लड़की की कौमियत पर नजरसानी करते हैं और एक अंदाजा कायम करते हैं कि ये सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है या उर्दू स्पीकिंग है। इसके बाद लड़कियों के बाल। लड़कियों की मुस्कुराहट और आंखों के बाद अगली निगाह उनके सेहतमंद और लंबे घने बाल होते हैं। इसके बाद उसकी सेहत पर तवज्जो दी जाती है। ये देखा जाता है कि लड़की या औरत पतली है या मोटी। यहाँ लड़के कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसके बाद फेक मेकअप। इसके बाद इस बात का नोटिस लेते हैं कि ये लड़की वाकई खूबसूरत है या सब मेकअप का कमाल है, जैसे हेयर एक्सटेंशंस, फेक आईलैशेस और फेक नेल्स वगैरह। इसके बाद स्लिम डाउन लेग्स। इन लड़कियों को ज्यादा पसंद किया जाता है जिनकी टांगे पतली हों। यही वजह है कि आजकल टाइस का भी फैशन निकल पड़ा है, जिसे कोजी भी कहते हैं। याद रहे इसकी इब्तिदा यूरोप से हुई। इसके बाद औकात। इसके बाद इस बात का नोटिस लिया जाता है कि इसने क्या कपड़े पहने हैं। कपड़ों से वो अंदाजा लगाते हैं कि अमीर है, गरीब है, मिडिल है या मुतवस्सत है। और इसके बाद फाइनल डिसीजन लेते हैं। इन तमाम बातों के बाद वो ये सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं या नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बनाए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।